सुप्रभात। कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण किए थे, आज हम लोग श्वेत मरुस्थल यानी कि अंटार्कटिक और न्यूजीलैंड का भ्रमण करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट टू है। तो हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के पार्ट टू में न्यूजीलैंड। तो अगर न्यूजीलैंड आते हैं तो न्यूजीलैंड बहुत कम जनसंख्या वाला एक शहर है जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, प्रशांत महासागर के बीच बसा हुआ है, और उसकी राजधानी जो है वो वेलिंगटन है, और वहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है। अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में उसकी जनसंख्या मात्र 51.2 लाख था, तो जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है माओरी। वहाँ पे जो राष्ट्रीय गान है मा आर ओ टी ओ, जिसका मतलब होता है भगवान आपकी रक्षा करे। और वहाँ पे जो हवा है शुष्क हवा चलती है, जिसको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में ही सीमेट लिए हैं। अब हम लोग आते हैं अंटार्कटिक। लेकिन अंटार्कटिक से पहले हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड की पक्षी के बारे में। जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है कीवी, इसीलिए न्यूजीलैंड वासियों को कीवी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अंटार्कटिक, जो आप लोगों को पता ही होगा। तो अंटार्कटिक क्या है? तो अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परत पाई जाती है। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परत पाई जाती है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे इसकी मोटी परत पाई जाती है। आते हैं नीचे, इसे श्वेत रेगिस्तान या श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ खेती वेती नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे श्वेत रेगिस्तान या श्वेत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और ये भी दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अब आते हैं ऋतु। तो ऋतु के आकार से ऋतु के अनुसार इस महादेश का जो है आकार बढ़ता है या आकार घटता है, यानी कि वेदर के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से इसका आकार जो है बढ़ता घटता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि ये आकार घटता बढ़ता रहता है, किसे? अंटार्कटिका को। अब आते हैं आगे, अंटार्कटिका का जो मिट्टी है, भूमि है, और जो जलवायु है उस पर काफ़ी रिसर्च होते हैं, इसीलिए इसे वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत भी वहाँ गया है, तो भारत का जो पहला जाने वाला टीम था वो था अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे, उनका नाम था जी एस सिरोही के नेतृत्व में पहला टीम गया था। और एस जेड कासिम जो हैं उनके नेतृत्व में भारतीयों का एक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा, और 1983 में भारतीयों का जो दल था उन्होंने अपना अस्थाई वहां पे शिविर लगा दिया। हालांकि कुछ ही दिनों पहले की बात है कि भारती नामक एक और अस्थाई शिविर वहां लगाया गया है। तो वहां पे शिविर लगते हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक जाते हैं, और उनमें क्या होता है तो वहाँ पे वहाँ की जलवायु, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का भूमि का अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं। और अगर अब बात किया जाए तो अंटार्कटिका का जो वनस्पति है उसका नाम है लाइकेन, और एक है मॉल, तो मॉस, तो ये दो वनस्पति वहाँ पाए जाते हैं। और पेंगुइन नामक की पक्षी पाई जाती है, और क्रिल नाम की एक छोटी मछली, क्रिल नाम की जो छोटी मछली है उसकी लंबाई अधिकतम 6 सेंटीमीटर होती है। तो वहाँ पे जो छोटी मछली है उसका नाम क्रिल है, और जो पक्षी है उसका नाम है पेंगुइन। अगर बात की जाए खनिज की तो अंटार्कटिका में लोहा, तांबा और कोयला पाया जाता है, लेकिन वो निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पे बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगा, या आप जानते भी होंगे, कि दुनिया का 70% मीठा पानी इसी अंटार्कटिका में पाया जाता है। और यहाँ पे अगर कटिबंध की बात की जाए तो शीतोष्ण कटिबंध है। और सबसे खास बात यह है कि जो सूरज है यहाँ पे तिरछा होता है, जिसके कारण यहाँ पे 6 माह रात होता है और 6 माह दिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 माह रात और 6 माह दिन कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हैं अंटार्कटिका में। आज मिलते हैं इतने ही क्वेश्चन के साथ ख़त्म होने के लिए। अगली बार आते हैं नए प्रश्न के साथ, नए देश में घूमेंगे। बाय बाय।